राम संसार के राम, अंदर इतनी बजेगी, बड़ी वेदना क्योंकि जया वो बच्चन वेदना की, इस उनके और उनके और भी वीडियो देख लीजिए, उनकी वेदना दिखेगी, मेरे पास 2500 वीडियो है। अच्छा योगी, ये योगी जी को कैसे कर प्रताड़ित किया गया था आप मुझे बताइए, ये प्रताड़ित रहेगी, अरे क्यों शामिल हो जाए, रहेगी कोई कर्जा खाए सुविधा तो रहेगी। बीजेपी सपा का जब आप हमें सुनता, आप सही बात सर, हम इस देश के नागरिक है, हम इस देश के नागरिक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस देश के नागरिक है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य और सुविधा है। समाजवादी पार्टी के लोग सुनते ही नहीं है। मैंने बोला कि भाई जनता के हिसाब से देखा जाए, पक्ष विपक्ष को छोड़ दिया जाए, मैं तो बोलता हूँ 365 डेज ये छापे चलने चाहिए, आप पक्ष जनता के विपक्ष दोनों पे चले। आप जनता की बात कैसे करते हैं, आप पूरी जनता की गारंटी ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सर, मैं गुलाम हूँ क्या? अरे सर, हम किसी पार्टी के, हम जनता के, आप जनता का लिया है क्या जनता का प्रतिनिधि होने का? नहीं, आप कैसे प्रतिनिधि हो गए हैं, आप कहां से प्रतिनिधि हो गए हैं? हम जनता के प्रतिनिधि नहीं है, जो पत्रकारिता से जुड़ा है तो आप राजनेता ठेका। चावला जी, मैं क्राउड का जो है उसका बिहेवियर बता रहा हूँ, क्राउड होना एक अलग चीज है और वो क्राउड वोट में ट्रांसफॉर्म हो ये एक अलग आर्ट होता है, आर्ट ऑफ पोलिंग जो है। लेकिन ठीक है, आज सत्ता के गलियारे और सत्ता की ताकत जिसके हाथ में है उसके हाथ में पिंजरा, उसके हाथ में ही तोता है, उसके हाथ में पिंजरा, उसके हाथ में तोता। एके मिश्रा जी नोट कर लेना, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, जिसके हाथ में सत्ता उसके हाथ में पिंजरा और उसके हाथ में तोता। तो शर्मा जी आप धूप के धुले हुए थे क्या? देखिए, मैंने तो तिलक भाई अपनी बात के अंदर पहले संज्ञान में जोड़ा है, एक्सेप्टेशन तो एनपी सिंह जी ने बोला ही कि नया क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी बात के अंदर अपनी बात को मोहर बंद कर दिया इस बात को। मैंने इस बात के लिए उनकी बात को क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने देश में नया कुछ किया ही कहा है, इन्होंने 70 साल की विरासतें बेच दी और 7.5 में कुछ दिया नहीं किया। मुख्यमंत्री आगे विरासत की बात करते हैं, विरासत की ठीकरा रोते हैं, आपके गुण अपना लिए शर्मा जी, सीधा बताइए ना, आपने गुण अपना लिया। हमारे गुण तो जिंदगी में ले नहीं सकते, लेकिन अगर कोई अच्छा काम होता है तो नेहरू जी सपने में आके जरूर मोदी जी को, योगी जी को बोल देते हैं, और गलत होता है तो फिर इनको लगता है कि वो नेहरू जी ने कर दिया। लेकिन अब जो जो बिल वापस हुए वो नेहरू जी ने आके दिलवाए इनको सपने में। अच्छा, एके मिश्रा जी सुना आपने, फिर आप मुझे अपने राजनीतिक ज्ञान से समझाइए, जो मेरा पहला सवाल था मैं वहीं पर ही आता हूँ, ये चुनाव के वक्त जो है ये कार्रवाई जरूरी है या फिर मजबूरी है, और क्या सियासी फायदा होता है कि मिश्रा जी आपको लगता है कि इस तरह की छापेमारी से कोई सियासी फायदा होता है? एके मिश्रा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये बोल रहा था चावला जी, आपका सवाल बड़ा जेन्यून है और फायदा होता है, और ये बात भी सही है जो चंद्रमोहन शर्मा जी ने, मेरे मित्र ने बोला, जिसकी सरकार है उसका पिजड़ा है उसका तोता है, ये अपने आप में ये बताता है कि सरकारें सारी एजेंसीज का प्रयोग या दुरुपयोग करती हैं। मैं ये बोलता हूँ कि अगर इतनी ही एक्टिव ये सीबीआई ईडी वगैरह हो तो बहुत सारी चीजों का सलूशन जो है बड़े आराम से निकल आए, बहुत सारे जो है दुर्घटनाएं वगैरह ना हो, बसरते वो 5 साल निष्पक्ष भाव से करती रहे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बेबाकी से मैं बोलना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोगों, जिनकी सरकार है, यादव सिंह की जब सरकार थी तो उस सरकार ने कभी उनके ऊपर छापे नहीं डाले, या और भी आप वो ले लीजिए, ये नजर रखना चाहिए कि कौन अनएक्सपेक्टेड वे से ग्रो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये काम है इन एजेंसीज का, काम है कि निगाह रखना। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वक्त कोई भी हो, चाहे चुनाव के पहले हो चाहे रूटीन में हो, चुनाव के पहले थोड़ा सा मजबूरी इसलिए बन जाता है कि अभी देखिए चुनाव के डेट डिक्लेयर होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे सैनिटाइजेशन करने पड़ते हैं, पुलिस भी एक्टिवेट होगी, लोगों को ढूंढेगी, जो आशंकित लोग हैं ऐसे लिस्ट में उनको पकड़ करके बंद किया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या पैसों का भी दुरुपयोग रोका जाएगा। तो ये तो चुनाव के पहले जो है बहुत जरूरी हो जाती है कुछ काम जो है, जो कि ऐसे नियम या कानून होते हैं कि ये सब चीजें चाक चौबंद कर लिया जाए। तो मैं ये बोलता हूँ ये अच्छी चीज है। और एक चीज मैं और बोलता हूँ, पक्ष विपक्ष का अपना आरोप हो सकता है, लेकिन पब्लिक के तरफ से मैं ये बोलूंगा, ठीक है 5 साल आपकी सरकार रही है, तो जब आपके विपक्षियों की सरकार थी जो गलत काम किए थे, जनता का पैसा लूटा था, आप उनको सफाई कर दो, जब आप विपक्ष में रहोगे तो विपक्ष की सरकार आएगी वो आपकी सफाई कर देंगे, यानी फायदा जो है, लेकिन सफाई आप ईमानदारी से करिए।
आपकी वो विपक्षी पार्टी है, ईमानदारी से सफाई करिए, जो पैसे वसूल हो वो जनता के कामों में लगाइए, तो एक दूसरे की सफाई करते रहिए, तो इससे फायदा पब्लिक का होना है। और ये राजनीतिक मजबूरी है, यानी आप ये मानते हैं राजनीतिक मजबूरी है? नहीं बिल्कुल, ये देखिए ये राजनीतिक मजबूरी इसलिए है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, जो ब्लैक मनी होती है, कैश होता है या गुंडों का प्रयोग होता है, वो चाहे मैं किसी पार्टी का नाम हो क्या लेना, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जिसके पास जितनी हिम्मत रहती है कहीं ना कहीं वो प्रयोग तो करते हैं। दूध के धुले हुए तो कोई नहीं है, आप पीछे के इतिहास देख लीजिए। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा, सभी लोग शुचिता की बात करते हैं, अगर शुचिता की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग जया बच्चन की, अगर मैं बात कर लूं, भाई आपने सब कुछ सही किया हुआ है, आप अपने आप को मीडिया पे सदन में चीख चीख के ऐसे बोल रहे हो कि आपसे बड़ा जो है स्वच्छ आदमी या कोई है ही नहीं, आप श्राप दे रहे हो, पता नहीं कौन सा फन्ने खां समझ रहे हो, कौन सा ऋषि मुनि समझ, इतनी तपस्या जया बच्चन जी आपने नहीं की है कि आपके श्राप का कोई असर होगा? अगर आप स्वच्छ हो तो आप क्यों डर रहे हो? आप सारे डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। ओके राजेंद्र दुबे, वो आप दे दीजिए। राजेंद्र दुबे, ए के मिश्रा कह रहे हैं कि आपने ऐसी तपस्या नहीं की है कि आपके श्राप का असर दिखाई देगा और सरकार गिर जाएगी। एक बात तो आपने देखी, ए के मिश्रा जी भी उसी रंग में रंगे हुए हैं जिसमें बाबा जी रंगे हुए हैं, क्योंकि इनके बातों से लग रहा है। देखो इन्होंने टिप्पणी केवल जया बच्चन पे तो की, लेकिन ये नहीं कहा जो छापे पड़े वो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये जया बच्चन आपकी, जया बच्चन आपकी पार्टी की है इसलिए आप व्यक्तिगत ले रहे हैं। नहीं मैं जया बच्चन का असर पड़ेगा नहीं, आप एज ए एक्टर, एज ए एक्टर, एज ए एक्टर आप ज्योति हैं क्या? आप ज्योति हैं क्या? आप बताएंगे उसका असर होगा? उन्होंने अपने, अरे हम हैं भाई, दिल से कहा वो उनको खानदानी हमारा विरासत है, पेशा है एस्ट्रोलॉजी का, वो उनको अधिकार है, वो उनको अधिकार नहीं, अधिकार नहीं है श्राप देने का, अधिकार नहीं, हमें पता है श्राप, श्राप देने का किसको अधिकार है हमें पता है, आपको अधिकार नहीं है, अधिकार है यही तो दिक्कत है। बच्चन को क्या अधिकार है श्राप देने का? नहीं मैं तो कह रहा हूँ जय बच्चन को अधिकार किसने दिया कि सदन में श्राप दीजिए? रहीमदार जय बच्चन गरीब है, जया बच्चन गरीब है, जब अखिलेश यादव और जया बच्चन अगर गरीब होने लगेंगे तब तो भाई प्रभु आप धन्य है, मैं आपके आपके चरण जो है आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अब आप जया बच्चन गरीब है, नहीं उदाहरण वही दीजिए जो उदाहरण फिट हो, उदाहरण वही दीजिए जो उदाहरण फिट हो। जया बच्चन गरीब नहीं है, यानी यानी राजनीति में आप इसे जायज मानते हैं? ये जायज है, मैं जायज, देखिए गलत काम को मैं जायज नहीं मानता हूँ। नहीं नहीं, चुनाव देखिए छापेमारी, मैंने बोला 365 डेज चलनी चाहिए, इतने सारे कांड होते हैं, गलत चीजें होती हैं, गलत ट्रांजैक्शंस होते हैं चुनाव के पहले, ये राजनीतिक जरूरत होती है। नहीं आप बताइए मिश्रा जी, क्या जो छापे पड़े उत्तर प्रदेश में इस टाइम पे, क्या वो सही थे? आपको लगता है क्या सही थे? बिल्कुल सही थे, हाँ बिल्कुल सही थे, उसके पीछे दुरुपयोग नहीं हुआ, इसीलिए कह रहे हैं आप उसी रंग में रंगे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, अरे भद्रोजी आप लॉजिक सुन लीजिए, लेकिन आप लॉजिक सुन लीजिए, आप लॉजिक सुन लीजिए, आपने नहीं छापे मारे थे, पता है, आपने नहीं छापे मारे थे, आप व्याख्या अपने चश्मे से करेंगे, नहीं कर पाए वो बात, आप अपनी व्याख्या केवल अपने चश्मे से करेंगे, जब आप करिए ना समाजवादी पार्टी के चश्मे से, आप उसके मेंबर है, आप नेता है, आप इसीलिए बैठे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के चश्मे से आप करिए, आपकी मजबूरी है, मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषण है, आप करिए समाजवादी पार्टी का चश्मा लगा के आप बैठे हैं घोसी, हमने तो उसको बुरा नहीं बोला ना भाई, नहीं नहीं आपने आपने बोला, नहीं नहीं आपने आपने बोला, आपने बोला, हमने आपको बोला कि आपने कौन से चश्मे, आपने सारी चीजों को साइड करते हुए, मैं नहीं, आपने सुना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग सुनते ही नहीं है। मैंने बोला कि भाई जनता के हिसाब से देखा जाए, पक्ष विपक्ष को छोड़ दिया जाए, मैं तो बोलता हूँ 365 डेज ये छापे चलने चाहिए। नहीं आप जनता के प्रतिनिधि दोनों पे चले, आप जनता की बात कैसे करते हैं? आप पूरी जनता की गारंटी ले रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सर? मैं गुलाम हूं क्या? आप अपने चश्मे से देख रहे हैं और पूरी जनता का पक्ष नहीं रख रहे हैं, कमाल, हम किसी पार्टी के, हम जनता के, आप जनता का लिया है क्या जनता का प्रतिनिधि होने का? नहीं जनता को आप कैसे हो गए हैं, आप कहां से प्रतिनिधि हो गए हैं? हम जनता के प्रतिनिधि नहीं है, जो पत्रकारिता से जुड़ा है तो आप राजनेता ठेका, हमने तो देखा है ना, प्रतिनिधि तो राजनेता पाया जाता है, तो प्रतिनिधि राजनेता का आपको थोड़ी कहा जाता है, एक सेकंड, आपको प्रतिनिधि तो दे देंगे, तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर लेंगे आप, बीजेपी में बोलिए, एक सेकंड मिश्रा जी, बीजेपी में, अरे भाई हमने आपके,
हमने बीजेपी या कांग्रेस या सपा से कुछ लिया है कभी मांगा तो बताइए। अरे क्यों शामिल हो जाए, कोई कर्जा खाए कांग्रेस बीजेपी सपा का? जब आप हमें सुनता हम सही बात है, हम इस देश के नागरिक है, हम इस देश के नागरिक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस देश के नागरिक है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य और सुविधा है। आप समाजवादी है, देखिए आप तो यहाँ बैठ गए हैं तो आप प्लीज विषय पर आए। आप अपनी बात रखिए, फिर मैं एमपी सिंह आपके पास आ रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दोनों की बातों को तर्क दूंगा और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। एके सिंह जी, सबसे बड़ी बात तो मैं अपने पंडित जी की बात को देता हूँ कि कल जो सदन में और जो वेदना इस देश की माँ की, एक नारी की और एक जो महिला की आई, वो वेदना इतिहास के अंदर रहेगी और उसकी वेदना की करुणा संसार के अंदर बजेगी। बड़ी वेदना, क्योंकि वो वेदना इस उनके और भी वीडियो देख लीजिए, उनकी वेदना दिखेगी। मेरे पास 2500 वीडियो है संसार के अंदर बजेगी। बड़ी वेदना, क्योंकि वो वेदना इस उनके और भी वीडियो देख लीजिए, उनकी वेदना दिखेगी। मेरे पास 2500 वीडियो है किस तरीके का उनका बिहेवियर, गुस्सा नाक पे रहता है। लगता है कि वो अपने आप को बड़ा विशिष्ट समझती है, पता नहीं क्या समझती है कि वो इस देश के जन सामान्य कॉमन आदमी को पसंद नहीं आया, ऊपर समझती है। मिश्रा जी, गुस्सा दिमाग में और तर्क जबान पे होना चाहिए, तो डिबेट होती है, वैसे नहीं। आप बात को काटिए और बात को बोलिए, बात को सुन के करिए। सदन में गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, सदन में गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। आप एक्टिंग कर रहे हैं क्या? आप एक्टिंग कर रहे हैं जो कह रहे हैं क्या? आपकी पार्टी जया बच्चन, आपकी पार्टी की नेता वो एक्टर है, हमें तो एक्टिंग आती नहीं, जो दिल में है वो जबान पे है। ओके, एक के मिश्रा की बात रखिए, फिर चंद्रमोहन शर्मा आपके पास आ रहा हूँ, फिर दुबे जी आपके पास। और सीधे तौर पर मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने कितने नेताओं को अंदर किया इस पूरे मसले को लेकर, वो बता दीजिए, लिस्ट दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया, अप्रैल का जिक्र किया, फरवरी का जिक्र किया, सितंबर का जिक्र किया, ताजा चुनाव हुए, वहां छापेमारी हुई। एक के मिश्रा, ये सब इत्तेफाक है। फिर से सवाल पूछिए, आपकी आवाज कट गई थी। एके मिश्रा, मैं तथ्यों का जिक्र कर रहा था और मेरा सवाल यही था कि क्या वाकई में ये सब कुछ इत्तेफाक से हो रहा है? सब इत्तेफाक, जहां चुनाव वहां पर छापेमारी। नहीं चावला जी, देखिए आपका सवाल बड़ा जेन्यून है और मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस पक्ष विपक्ष इन सबको छोड़िए, एक चीज को तो मैं मानता हूँ, जब चुनाव आता है तो चुनाव के पहले बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है स्पेशली लोकतंत्र में। मेरा कहना यह है, जितना एक्टिव चुनाव के टाइम पे सारे तंत्र होते हैं, अगर वो साल भर उतने एक्टिव रहें और 5 साल तक रहें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याओं का देश से निजात मिल जाए। आपने जो अभी तथ्य दिए कि भैया इतने इतने लोगों के ऊपर केस चला, ये बात भी आपकी बात सही है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। होता यह है कि जो बड़े और रसूखदार लोग हैं उनके ऊपर केस तो चल जाता है, शायद ही वो केस कभी अंजाम पे पहुंचता हो। आप मुझे ये भी उदाहरण बता दीजिए या किसी के पास डाटा हो, जितने बड़े बड़े लोगों के ऊपर केस चले हैं, ठीक है कई लोग पहुंचे हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मैं उसको नहीं मानता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, जनता को एक लॉलीपॉप देने के लिए, चाहे पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की हो, वो मुकाम पे नहीं पहुंचते हैं। अगर उनके खिलाफ प्रूफ है तो ढीला हवाली ढील क्यों दी जाती है? एक सामान्य आदमी के लिए जो न्याय व्यवस्था है, जो पैरामीटर है, वही पैरामीटर बड़े लोगों, न्याय के तराजू में तो सबको बराबर तोला जाता है ना। एक सामान्य आदमी अगर 10,000 रुपए का कैश ले ले तो उससे 50 इंक्वायरी होगी, पकड़ जाएगा कहाँ से आया, कैसे नहीं आया। और बड़े लोग करोड़ों अरबों का खेल करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि जितनी तत्परता, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे पुलिस जो दिखाती है, अर्धसैनिक बल जो दिखाते हैं, ईडी वगैरह दिखाते हैं चुनाव के पहले, चाहे उसको आदेश इलेक्शन कमीशन दे या ऐसी कोई मान्यता हो, मजबूरी हो चुनाव के पहले कि ये सब सैनिटाइज करना जरूरी है, उसी पेस उसी मोड पे अगर 5 साल हर दिन ये करे तो
तो ये सारी समस्याएं ही ना हो। और सारी एजेंसियों की सरकारों का तो मैं ये बोलता हूँ भाई, निष्पक्ष होकर काम करिए। अगर निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पा रहे तो मैं इसको भी बेहतर मानता हूँ, आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में हर 5 साल में एक दूसरे की सफाई करते रहिए। उन्होंने जो ब्लैक मनी इकट्ठी की है, जब आपकी सरकार आए तो आप उसको जांच वगैरह करवा के जनता के खाते में डाल दीजिए। जब उनकी फायदा तो जनता का ही होना है, चुनाव का एक फायदा और होता है, मैं आपको बता दूं, कम से कम विकास के कार्य चुनाव के ठीक 1-2 साल पहले बहुत तेज हो जाते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट जो फायदे होते हैं, उसका जिक्र ही नहीं कर रहा। अगर देश का कोई नेता निडरता के साथ मुकाबला कर रहा है इस सरकार का, तो वो राहुल गांधी है। और निडरता के साथ जिसने मुकाबला करा है वो कांग्रेस का मैन है। और एक अकेला ही राहुल गांधी है जिसने इस सरकार के मुखरता के साथ हर प्रश्नों के साथ डटाया और आवाज दी है, वो राहुल गांधी की आवाज है। आज भले ही कोई किसी के ऊपर इंक्वायरी हुई, ये बात तो राहुल गांधी जी पहले भी एक्सप्रेशन चिन्ह करते रहे इन बातों का, और उसी चीज को आज जब विपक्ष की दूसरों की दुम दबी तो सबने आवाज उठाई। देखिए मैं शर्मा जी की बात से मैं सहमत हूँ। मुझे एक चीज याद आ गई, राहुल गांधी वाकई में निडर है। इसलिए निडर है कि जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 रुपए का नोट लेके लाइन में खड़े थे, और एक तस्वीर मैंने देखी थी जिसमें वो अपनी फटी हुई जेब दिखा रहे थे। मुझे वही बात याद आ गई थी, जब आदमी संत प्रवृत्ति का है तो वो उसको राहुल गांधी निडर नहीं होंगे, तो जिनके ऊपर छापे पड़े हैं, अरबों रखे हुए हैं, वो निडर होंगे। सवाल आपका बड़ा जायज है कि अगर आप दूध के ढूले हैं तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है भाई? आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, ईडी क्या वो 10 बार छापे मारे, हमारे यहाँ आके रोज छापा मारिए सर, हमें कोई डर नहीं है, हमारे यहाँ आके रोज छापा मारिए सर, हमें कोई डर नहीं है। शर्मा जी देखिए, सवाल डर या उसका नहीं है, सवाल सरकार की नियत और मंशा का है। जो सरकार करे वो ठीक और जो विपक्ष करे वो गलत। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन चीजों को प्रश्न चिन्ह का जवाब नहीं सरकार क्यों नहीं सदन में बनाती? बनाए तो निष्पक्ष जवाब आएगा। आपको बताता हूं, इस विषय को अगर हम नियत और मंशा किसी भी सरकार की कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक का ब्लैक मनी अगर कहीं पकड़ा जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, तो मैं बोलता हूं कांग्रेस भी करे सपा भी करे, फायदा इसमें पब्लिक का। अरे मिश्रा जी, कितना ब्लैक मनी आई है अब तक 2014 के बाद? कितना पैसा दिया है सरकार ने लाके 15 लाख के बाद? अगर आज आंकड़ा देखोगे ब्लैक मनी का तो 35 लाख चला जाता है। जितना ब्लैक मनी का आपने बात करते हो उसका डबल जाके जमा हो गया है, और जिस ब्लैक मनी की आप बात करते हो नोटबंदी की, उसका असर आज तक आपका जा रहा है। तो फिर 2014 के बाद परिवर्तन क्या हुआ सरकार का? हर बात को काट कर अपनी तर्क को कहना कि मैं सही बोल रहा हूँ वो जायज नहीं है। मेरा संसाधन के हम लोगों के भीड़ कितनी हो रही है, उसी को देखा तो परेशान, इसलिए छापे पड़ रहे हैं। ओके, छापे तो इसीलिए पड़ रहे हैं, वही तो इनके टेंशन बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव की भीड़ से घबरा गई क्या बीजेपी? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखें तो डेफिनेटली प्रेशर तो माना जाएगा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यूपी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब की बार चुनौतियां बीजेपी के लिए डिफरेंट है, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वे में भी चुनौतियां डिफरेंट है। इंटरनल फैक्टर भी है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है, और विपक्ष के लिए ये एक बड़ा स्वर्णिम मौका है। मैं तो देखिए सभी को अग्रिम बधाई देता हूँ, पक्ष विपक्ष को, कि आप लोग बेहतर करें और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें। और डेफिनेटली मैं इस चीज को मानने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि देखना ये है कि पक्ष और विपक्ष जितनी पार्टियां हैं वो इस चुनाव को मैनेज कैसे करती हैं। आर्ट ऑफ पोलिंग दिखेगा। हमारे निगाह से अगर देखा जाए तो मुझे ये देखने के लिए, मैंने कल भी ये आंकड़े दिए थे, एके मिश्रा मैं बता देता हूँ कैसे मैनेज होता है। बताइए, मैं देख रहा था 2012 में चुनाव में अखिलेश यादव ने जो खर्च किया था 2012 में अंतिम दौर में जब चुनाव में 85 करोड़ रुपए, और योगी जी आखिरी महीने में चुनाव प्रचार में 160 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, 160 करोड़। और सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 से 2019 तक 5,949 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया प्रचार के लिए। देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर क्या हो रहा है वो सबको मालूम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा तात्पर्य ये नहीं था चाहूंगा। एक के मिश्रा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या वाकई में जो भीड़ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि सिंह साहब खुद मांग रहे हैं सत्ता में रहकर कि हाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, हम भी मानते हैं, तो क्या ये भीड़ के जो नजरिए से तस्वीर देखी जा रही है, ये छापेमारी उससे जुड़ा हुआ हिस्सा तो नहीं है?
नहीं, भीड़ के नजरिए से अनंतिम फाइनल तस्वीर नहीं देखी जानी चाहिए, उसके पीछे कारण है। मॉब का पॉलिटिकल बिहेवियर, क्राउड का जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है वो कुछ अलग होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था तो मान लीजिए कोई भी बड़ा मंत्री विधायक आता था तो हम क्यूरियोसिटी के लिए भी चले जाते थे। एक जिले में अगर रैली हुई तो उस जिले में जो वोटर हैं वो तो बहुत कम पहुंचते हैं, 25 और डिस्ट्रिक्ट के आ जाएंगे जबकि वो उस डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग नहीं देंगे। अखिलेश यादव को देखने के लिए नहीं, आप नहीं चावला जी, आप इस चीज देखिए, यहाँ पे पक्ष विपक्ष का नहीं है, विपक्ष के भी जो नेता है उनका भी अपना एक कद है, छोटा हो या बड़ा हो, कंपैरेटिवली कम हो या ज्यादा हो, आप ये मत बोलिए। 2017 और 2019 का चुनाव देखिए ना फिर। हाँ तो मैंने तो पहले ही बोला ना कि भीड़ के हिसाब से, मैंने पहले ही बोला कि भीड़ को देख करके अंतिम फैसला नहीं होता है। मेरी बात सुनिए चावला जी, मैं क्राउड का जो है उसका बिहेवियर बता रहा हूँ। क्राउड होना एक अलग चीज है और वो क्राउड वोट में ट्रांसफॉर्म हो ये एक अलग आर्ट होता है। आर्ट ऑफ पोलिंग जो है, आर्ट ऑफ लिविंग की तरह एक आर्ट ऑफ पोलिंग होता है। चुनौती यही सबसे बड़ी है। मैं बोलता हूँ, मैं सब जगह भीड़ हो, मैं तो बोलता हूँ जबरदस्त भीड़ होनी चाहिए, लेकिन आर्ट ऑफ पोलिंग किसके पास है ये देखना है। देखिए आज कहाँ डेवलपमेंट, आज देखने के लिए जाते हैं, वोट नहीं डालते हैं, सिर्फ देखने के लिए जाते हैं प्रियंका गांधी को, वोट नहीं डालते। ये दृष्टिकोण एके मिश्रा जी का है। आज सूबे की जनता परिवर्तन की लहर के ऊपर बह चुकी है, क्योंकि आंधियां जब धूल लेके आती हैं वो विषय चिंता का नहीं होता है, लेकिन आंधियों की रैली जब नारे लेके आती है तो सत्ता के गलियारे हिला देती है। आज नारे वही हैं जो 2014 के अंदर भाजपा की रैली में उठते थे, आज की रैलियों के नारे विपक्ष के वही हैं जो 2014 के बाद की सत्ता के गलियारे हिलाने जा रही है। शर्मा जी ये तस्वीर वो भी है, एक तस्वीर और भी वायरल हो रही है, राघवेंद्र दुबे जी नाराज हो जाएंगे, वो वाली तस्वीर देखी भागवत जी के साथ मुलायम जी, वो तो उसमें शादी में आए थे, उसमें क्या है पूछ रहा हूँ, नाराज नहीं हो रहे। ये तो शादी में आप बताने लगे, शादी में आए थे, शादी में तो सभी जाते हैं, तस्वीर अच्छी लगी तो मैं पूछ लिया उनसे, शर्मा जी को अच्छी लगी क्या, ट्विटर पे लिख दिया शर्मा जी तस्वीर अच्छी लगी कि नहीं, एक सेकंड देखिए ना शर्मा जी, भागवत जी के साथ मिलाया था। संघ और सपा का जो सा है उसका जवाब तो राघवेंद्र जी खुद ही देंगे, क्योंकि उनको देना भी चाहिए, क्योंकि आज जो विषय राजनीति के अंदर आया है तो उसका तो जवाब अखिलेश जी को और सपा को देना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है, इसको राघवेंद्र जी को भी देना चाहिए। आपको बड़ी पीड़ा हो रही है, भागवत जी के साथ तस्वीर देख ली आपने मुलायम जी, आपको पीड़ा हो रही है सोनिया गांधी जी के साथ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी से मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहते थे, तो इसलिए ये प्रश्न के पास जवाब देना राघवेंद्र जी आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके मुखिया को भी देना चाहिए। घर वापसी हो गई है, आरएसएस ने घर वापसी का कैंपेन चलाया, उसमें मुलायम सिंह यादव की घर वापसी हो गई है। चावला जी तो कहता हूँ, शर्मा जी बहुत आतुर रहते हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, इसी तो मैंने कहा विश्लेषक की जगह अगर बीजेपी का ही बिल्ला लगा ले तो बात सनातन की हो रही है, बीजेपी की थोड़ी हो रही है, बात सनातन की हो रही है। मुल्ला फाइनल कमेंट लूंगा चावला जी आपसे जी, चावला जी पूरी डिबेट हुई, लेकिन इन्होंने मतलब हमारे राजनीतिक विश्लेषक सामने मिश्रा जी ने ये नहीं कहा कि जो छापेमारी हुई करे वो तो रोज होनी चाहिए, अरे रोज होनी चाहिए, आपने ये टाइमिंग करा था, जहाँ भी चुनाव हुए राज्यसभा चुनाव आपको है, अहमद पटेल के पास भी जब अहमद पटेल ने राज्यसभा चुनाव लड़ा तब भी यही हुए, जहाँ सरकार बनानी होती है वहाँ भी ऐसे शुरू हो जाता है, सरकार की सरकार कोई भी हो एजेंसी अपना काम रोज करे। नहीं नहीं, ये गलत प्रक्रिया है, गलत परंपरा है, आप बता दीजिए चुनाव देखकर योगी जी, योगी जी सदन में क्यों रोए फिर, प्रताड़ित किया गया था, आप मुझे बताइए प्रताड़ित नहीं हो रहा है, योगी जी को कैसे प्रताड़ित किया गया था, आप मुझे 50,000 रुपए के लिए आपने गलत ढंग से सब काम किया, केवल डिस्टर्ब किया आपने अखिलेश के करीबी तो सही है, ये करते हैं तो गलत है, ओके मैं मान गया आपकी बात। एनपी सिंह साहब और एके मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मतलब